देखो मेरा ना बहुत मन था यार वैष्णो देवी जाने के, बहुत एक मतलब दिल की इच्छा बताऊँ ना, बहुत मन था। पिछले 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ माता रानी कब बुलाएगी कब बुलाएगी, और माता रानी सुन ली, ठीक है, बोली आ जा बेटा, और बुलाया भी ऐसा एकदम फुर्सत में, नौकरी गई। जी सभी को राम राम, कैसे हो सभी, उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी का वेलकम है फिर से दीपक ब्लॉग टीवी पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज का ब्लॉग है कि पैकिंग चालू हो गई है वैष्णो देवी की, मैं जा रहा हूँ यहाँ से सहारनपुर, सब कुछ बताऊँगा वीडियो में, बने रहें। पैकिंग चालू है और सब कुछ होच पोच हो गया एकदम, कि कैसे क्या पैक करूँ समझ नहीं आ रही बात, और पहले पैक करा नहीं, सब बिखरा पड़ा है भाई, गोप्रो का सामान, हेलमेट, हेलमेट का माउंट वगैरह सब कुछ बिखरा पड़ा है। थोड़ा सा टाइम दो, पैकिंग वगैरह करके मैं आ रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। तो भैया माता ने दे दी रोटी, की एक दो रोटी खा लो तब करना बाकी का काम। हाँ जी, अपन हो गए रेडी, और जैकेट वैकेट पहन के बिल्कुल है ना, बस गोप्रो लगाना है अपना बाइक पे और हेलमेट पे मतलब, और बैग अपना रेडी। भाई बैग में इतना वजन हो गया है पूरा फुल है, इसमें लैपटॉप भी रख लिया मैंने जिससे कि मैं वीडियो डाल पाऊँ। पापा को प्रणाम बोलते हैं, जा रहा हूँ। यार 5,000 रुपये भी उसके भी दे तक रहे जाने के नाम के, 5,000 रुपये तो तुम 1,000-2,000 थोड़ी मांगे हैं, मैं तो नाम के माँ बाप के पैसों के बिना क्या होगा, कुछ भी ना, लाखों कमा लो चाहे, फिर निकल गई गड्डी। हाँ पैसे आएंगे, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है चल, राम राम जी, राधे राधे, जय माता दी। तो भाई लोग अपन निकल गए हैं, बाकी अभी रास्ते में बात करते हैं, बस यहाँ से निकल जाएं। जय हमारे देवता की, बाय, जय हमारे भोलेनाथ जी, कृष्णा जी, बस अच्छे से जाएं, अच्छे से आ जाएं, और माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हो जाएं। जय माता दी, आपने बुलाई लिए इतने सालों के बाद अपने बच्चे को। लो दोस्तों अपन आ गया गांव से बाहर, निकलने वाले हैं, बस बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल की, भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मैं वेरी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ। मेरे लिए देखो मुझे तो मौका चाहिए बाइक चलाने का, बस उन्होंने बहुत बोला कि ट्रेन से आ जा, ट्रेन से आ जा, ट्रेन से आ जा, रिजर्वेशन करा ले या जैसे मर्जी वैसे आ जा, ठंड में ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, नन का नहीं भाई, यही तो चाहिए था, और हम इधर से जाना पड़ेगा। मैं जा रहा था प्लखों की तरफ से, तो मुझे यहाँ से लेना लेफ्ट, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो है फाटक लगने की, अगर फाटक लग गया तो भाई 2-3 ट्रेन एक साथ निकलती हैं, उससे पहले फाटक खुलता नहीं है। ये जाता है भोजपुर की तरफ, और ये रोड भी ख़राब हो रहा है, रोड तो ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ा सा ये फाटक खुल रहा है, चल यार। अरे ताऊ निकाल भटाफटा को, ये भैया पे बाइक नहीं निकल रही, खामा का फाटक गिर जाएगा बोरा सामने, नया ड्राइवर है भाई मेरे को लग रहा है, रुक जा रुक जा। फॉग भी जम गया शीशे पे, ये क्रॉस हो गया फाटक, अब यहाँ से कई किलोमीटर मुझे सिंगल रोड मिलेगा, उसके बाद मैं पहुँचूँगा मोदी नगर, मोदी नगर से फिर हम जाएंगे सीधा सहारनपुर।
ले भाई शीशा गिर गया अपना, दरवाजा बंद दिए भैया थोड़ी सी साइड। चलिए लाला, है कोई ये भी ना जान देने का हमें तो। अभी धूप है ना तो सर्दी नहीं लग रही भाई, एक तो ही मिट्टी उड़ाएगा ना, ये रीजन है आगे जाने का। जल्दी धूप हो रही है ना तो सर्दी नहीं लग रही बिल्कुल भी, और गरम गरम सेक सा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये धूप धूप में तो नहीं पहुंचूंगा, पर अंधेरा होने से पहले पहुंचना है, जैसे कि सर्दी की चपेट में हम आए ना वैसे सर्दी लगेगी नहीं। कपड़े पूरे अच्छे से पहने हुए हैं, सर्दी तो बाद में देखे, पहले इसको देखा लो जी। अब मैं बता देता हूँ वीडियो क्या है। देखो मैं वैष्णो देवी जाऊँगा, 15 तारीख की हमारी ट्रेन है दीदी के वहाँ से, दीदी मैं जीजा दोनों भांजे जो जो भी जा रहे हैं वहाँ जाके पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वहाँ जाना है वैष्णो देवी, तो ये पूरा मैटर है इस वीडियो का। तो आज की मोटो व्लॉग रहेगी, आज का व्लॉग रहेगा, वीडियो में बने रहें, देखते रहें, इंजॉय करते रहें वीडियो को, साथ में लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर देना। और एक और चीज़ बताता हूँ, देखो निकलने से पहले ना मैंने मम्मी पापा से पैसे लिए, पैसे थे मेरे पास जाने के लिए, ठीक है। पर मुझे आदत है, मुझे अच्छा लगता है, चाहे ज़रूरी नहीं है 1000 दे दो, 500 दे दो, 10 रुपये दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, कितने भी दे दो, पता नहीं वो जो पैसे जाते हैं ना रख के पैसों में, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है एक तरीके से ना। ऐसा लगता है जैसे जो पैसे हमारे पास हैं वो डबल हो गए, ठीक है, एक तरीके का आशीर्वाद है। तो मैंने मम्मी को टोक दिया, वैसे तो उनको पता था मेरे पास पैसे हैं इसलिए उन्होंने पूछा नहीं, फिर भी पापा ने बाद में पूछ लिए कि पैसे हैं, उनकी आदत है वो पूछ लेते हैं, ठीक है, कि पैसे हैं या नहीं है। तो मैंने बोल दिया पैसे हैं, फिर भी उन्होंने 500 रुपये बाद में दे दिए, तो 1000 रुपये थे, पर हमारी मम्मी ने गड़बड़ करवा दी, मम्मी ने 1000 रुपये उन्होंने पकड़ा, उन्होंने 500 का नोट दिया बस खींच के, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय करते हैं, मज़ा आ रहा है पूरा। इस रोड पे पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, इस रोड पे आएगी ब्रेकर्स की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ब्रेकर हैं यार, बहुत ज़्यादा। ये देखो अब जगह जगह मुझे यही रुक के जाना पड़ेगा, 1 घंटा मुझे यहीं लग जाएगा। बाकी बैग पूरा पैक है भाई, मैं बड़ा वाला बैग ले आया था, बैग बहुत सस्ता है, और बैग में मैं जो हमारा इंडियन आर्मी वाला कलर होता है, डिजाइन होता है, वो वाला ले आया था, बैग ये आया था 500 रुपये का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और बहुत सारा सामान आ गया इसमें। मैंने कैमरा, लैपटॉप, इतने सारे सर्दी के कपड़े, सब कुछ रख लिया, समझ रहे हो। ये ब्रेकर आएंगे भाई, यही तो दिक्कत है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, उम्मीद है 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं, आराम से भी जाऊंगा, तो बाकी देखते हैं क्या रहता है। अब देखो अब आएगा ये रोड, खूबसूरत सब आस पास में पेड़ पौधे खेत, और ये सिंगल रोड, तो इसी को हमें जाना है सफ़र करते हुए मोदी नगर तक। मैंने ट्रिप लगा लिया, ट्रिप 1 अभी तक 10 किलोमीटर चल गई है बाइक घर से, तो टोटल देख लेंगे आना जाना कितना होगा। तेल तो था ही टंकी में, मैंने कल परसों फुल करवा लिया था, थोड़ा बहुत 200-300 रुपये का उसमें लग गया होगा, पहुँच तो जाएंगे इधर से आते टाइम आने के देखेंगे। देखो ये वाला होता है रास्ता, वो हम जाने के लिए यहाँ से जा सकते हैं इस फ्लाईओवर से चढ़ के, पर भाई अगर इस पे चढ़ गए ना इस रोड पे, तो अभी दिखा देता हूँ पहले कहाँ चढ़ने की बात हो रही है, बात हो रही है इस रोड पे चढ़ने की, इस पे अगर चढ़ गया ना मैं, चढ़ने के लिए चढ़ जाओ, हो सकता ना हो चेकिंग, पर अगर चढ़ गया ना मैं और पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया, तो भाई आतंकवादी की कैटेगरी में आ जाऊँगा, 20,000 का चलान है पूरा। देखो बाइक अलाउड नहीं है, जनवन चीज़ बताऊँ तो इस रोड पर, इसलिए इस पर चलान है 20,000 का। ये वही रोड है जो मैं बताता हूँ और वीडियोस में, सिस्टम पाड़ देंगे, हट जा। देखो भाई अब मैं ब्लैक शूज़ लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक शूज़ में कितनी बाइक चलवा लो, ना जूता गंदा होगा, ना निशान पड़ेगा, ना कुछ होगा। कितने किलोमीटर चल गई भाई बाइक, चल गई है 20 किलोमीटर, और मिनट कितने गए हमें, 20 मिनट ही हो गए घर से निकले हुए, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला रहे हैं हम बाइक। अभी और कवर हो जाएगा जल्दी, रीज़न ये है कि ये सिंगल रोड है और इसमें मिलता है ट्रैफिक। तो दोस्तों मुबारक हो, हम पहुंच गए मोदी नगर, अपना पहला स्टेप पूरा हुआ, अपना पहला लेवल क्रॉस हो गया है, ठीक है। अब दूसरा लेवल आएगा रोड ख़राब होने का, ठीक है, कुछ किलोमीटर का, 5-7 किलोमीटर का रोड ख़राब होने का एक लेवल आता है, बताता हूँ कहाँ है।
तो ये मोदी नगर पहुंच गए हम। ये मोदी नगर की क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक। तो यहाँ से हमें आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ से सीधा मुझे जाना है राइट हैंड साइड हरिद्वार की तरफ, तो यू टर्न मारना पड़ेगा आगे से। ज़्यादा दूर नहीं है, 1100-200 मीटर पे। अब देखो सारा रोड ही ऐसा मिलेगा जैसे ही दिख रहा है, एकदम खराब, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। ये जो रैपिड बनी है इसकी वजह से। ये देखो कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो घर से हमें मोदी नगर पड़ा 25 किलोमीटर भाई, पूरा 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर चल गए भाई, किस लिए? अभी 5 से 7 किलोमीटर ऐसे ही रोड पे चलना पड़ेगा, इस फ्लाईओवर के नीचे। नहीं, फ्लाईओवर कह रहा हूँ, मेट्रो के नीचे नीचे। लो जी, अपन ने ये रास्ता भी क्रॉस कर दिया। 14 किलोमीटर बाइक चली है, 10 किलोमीटर बाइक चली है वहाँ से यहाँ तक। और अब हम हरिद्वार वाले पुल पे चढ़ जाएंगे। अगर मेरठ जाना है तो नीचे से भी जा सकते हो, आगे से भी जा सकते हो। और जो रैपिड वाला था वो यहाँ से। हाँ बच्चा किधर? तो अरे दो दो दोनों दोस्त मेरठ शहर यहाँ से नीचे जा सकते हो, दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली के लिए सॉरी, इस पर वापस चढ़ सकते हो। और हरिद्वार तो सीधा है ही जिस पर हम जा रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा खींच लेंगे वरना अंधेरा हो जाएगा जल्दी। टोटल चल गई है 35 किलोमीटर बाइक हमारी। अब ये सारा रोड हमें ऐसे ही मिलेगा टंच। मजा आ गया भाई। चलो जी, देखो मेरा ना बहुत मन था यार वैष्णो देवी जाने का, बहुत। एक मतलब दिल की इच्छा बताऊँ ना, बहुत मन था। पिछले 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ माता रानी कब बुलाएगी, कब बुलाएगी। और माता रानी सुन ली, ठीक है, बोली आ जा बेटा। और बुलाया भी ऐसे एकदम फुर्सत में, नौकरी गई छुट्टी की टेंशन ही इच्छी नहीं है। दीदी का फोन आया, चलेगा वैष्णो देवी? उनको पता था मुझे इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेंगी। आने का टिकट था हमारा 17 का और अभी हमने कैंसिल करके 18 का करवा लिया, क्योंकि 16 को दर्शन होंगे, फिर भगदड़ में रहेंगी सारी चीज़ें। बाकी मैं चीज़ें सारी बताता रहूँगा कैसे कैसे कैसे, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा गया था, छोटा सा मतलब कई साल पहले गया था, मुझे याद भी नहीं है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अभी सारी जानकारी हमारी वीडियो में भी रहेगी, अपने साथ साथ आप सबके भी दर्शन करवाएंगे, घुमाएंगे वहाँ पर और इन्जॉय करवाएंगे, ठीक है। अभी ये मोटर ब्लॉग को इन्जॉय करो। 50 किलोमीटर चल गई है बाइक अपनी, अभी तो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। अभी तो हम आधा भी नहीं आए, चलते रहो बस, एक स्टॉप लेंगे कहीं बीच में 100 किलोमीटर चलाने के बाद। तो अपन पहुँच गए मेरठ। ये मेरठ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव मेरठ। मैं रुकूं? ओके। तो इन्होंने गाड़ी रोकी थी पीछे UP 14, मुझे लगा मुझे रोका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट सब पूरे हैं। ये जो बाइक वाला भैया जा रहा है ट्रक के पीछे क्यों जा रहा है पता है क्यों? क्योंकि ठंड लग रही है। बट कितने नज़दीक है ट्रक के, अगर ट्रक इमरजेंसी ब्रेक मार दे या कुछ भी कर दे तो वो तो जाएगा ही अंदर, क्या कर सकते हैं भाई। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है ये नजारे। 4:40 हो गए भाई और अब ठंड का एहसास होने लगा है। अब ये थोड़ा रोड अच्छा मिला, मतलब ये रोड तो बहुत टाइम से मिल गया, तो हम 90-100 चल रहे हैं आराम से, पहुंच जाएंगे जल्दी। और अब ठंड का एहसास होने लगा है धीरे धीरे। हवा जो लग रही है वो ठंडी लग रही है, जो धूप थी तो वो गर्म हवा लग रही थी। तो अब जितनी चलता चला जाएगा दिन उतनी शाम होने चल जाएगी। वैसे ना पहले के अकॉर्डिंग दिन बढ़ गए, अभी तक तो अंधेरा हो जाता, 5 बजे तक अंधेरा होने लगता पूरा। तो हम पहुंच गए भाई मुजफ्फरनगर। लो जी भाई, होगी शायद एक गड़बड़, गड़बड़ ये हो गई, रास्ता तो ठीक है पर मैं दूसरे रास्ते से आ गया हूँ जिससे मैं कभी आता नहीं हूँ। मैं आ गया हूँ मुजफ्फरनगर के अंदर बिल्कुल। और ये एक तो रोड ऐसा मिलेगा मार्केट वाला जिसमें और समय लगेगा, और मेरा देखा हुआ भी नहीं है, अब देखूंगा। देखो अब मेरे को मैप खोलना पड़ेगा और फिर टाइम लगेगा ज़्यादा। कहाँ पहुँच गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा,
बिल्कुल मेरे को लग रहा है मुझे पीछे से जाके फिर देखना चाहिए भाई, मैं फंस जाऊंगा ट्रैफिक में। चलो यार यू टर्न मारते हैं फिर से एक बार, देखेंगे किधर जाना है। टाइम हो रहा है 5:30 और मैंने वहाँ में जहाँ मैंने रोड छोड़ दिया था ना, ये वाला मुजफ्फरनगर के अंदर घुस गया था भाई, मैं वहाँ से यू टर्न लेके वापस उसी रोड पे आ गया हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि मैं मार्केट वाले एरिया से घुस गया, ठीक है, क्योंकि जहाँ से मैं जाता हूँ वो भी सेम ही दिखता है, और मैं पहले 10 किलोमीटर पहले नीचे उतर गया और आगे मार्केट थी। मैंने पहले गूगल में भी देखा था थोड़ी देर पहले, जब मुझे लगा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो भाई ट्रैफिक भी दिखा रहा था आगे तकड़ा वाला, तो मैंने डिसीजन लिया कि 3 किलोमीटर अभी आगे आए हैं, यू टर्न लेके चलते हैं वापस से, वहीं से निकलेंगे। वो एकदम शॉर्ट है रास्ता, शॉर्ट मीन्स कोई ट्रैफिक नहीं है, डबल रोड है, जल्दी पहुँचाएंगे। जल्दी भी नहीं पहुँचेंगे तो ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे एटलीस्ट। देखो ये वाला कट था, वो सेम ही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। मुझे यहाँ से उतरना था नीचे, अब आगे गोल चक्कर आएगा, और गोल चक्कर बिल्कुल सही ये वाला रास्ता था यार, खामखा 6 किलोमीटर के चक्कर में 15-20 मिनट ख़राब कर दिए मैंने। ये था वो रास्ता, मुझे यहाँ के रुकना था। मैं 100 किलोमीटर के चक्कर में 5 मिनट वहाँ रुका, मैंने गूगल खोला, मैंने वीडियो वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मुझे लग रहा था रास्ता मैंने गलत देख लिया है और वहाँ रास्ता देखना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं अब आगे से राइट लेंगे। राइट लेने के बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे अपने उस रोड पर, सीधा हमें वो रास्ता उतारेगा घर ले जाके, बहुत उसी के ऊपर भागना सीधा सीधा। तो भाई 127 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है, 130 किलोमीटर पे हम इसको ब्रेक दे देंगे पूरे 10 मिनट का, उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा था मैं ना दूं ब्रेक, बट यहाँ से भी 60 किलोमीटर है और मैंने पिछले 127 किलोमीटर के अंदर कोई ब्रेक नहीं दिया, बस मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुका था जिसमें बाइक स्टार्ट हुई, और जिसमें गूगल देखा था जब मुझे डाउट हो रहा था कि रास्ता गलत है, तो 130 जहाँ हो जाएगा वहाँ स्टॉप कर दूँगा, है ना। फॉग होना हो गया स्टार्ट, और भाई साइड तो वैसे भी ठंड है, यहाँ सर्दी है ज़्यादा, देख रहे हो फॉग दिख रहा दूर दूर, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी आप लोगों को ना, शायद हवा चल रही है, मतलब हवा लग रही है बहुत तेज स्पीड में, है ना भाई 90 चल रही थी अभी। और चल मेरी धन तिक तिक, देख रहे हो मील यहाँ पे गुड़ बनता है, शक्कर चीनी क्या क्या बनता है पता नहीं, इतनी बड़ी हिल और स्मेल आ रही है गन्ने की। तो 130 कंप्लीट हो गया भाई, ब्रेक दूंगा मैं जरूर ब्रेक दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह भी मुझे दिख रही है, रोड चौड़ा है यहाँ पे, तो यहीं ब्रेक देंगे हम, 1 मिनट स्टार्ट रखेंगे भाई। मौज कर दी, देखो फर्क पड़ा जूतों को, नहीं ना। अच्छा मैं बैग दिखा दूँ कैसा बैग लाया था भाई, पूरा फुल्ला बैग, ये देखो इंडियन आर्मी वाला बैग है, पूरा फील दे रहा है समझ रहे हो, पूरा फुल है भाई। इसमें लैपटॉप भी है, हमारा गोप्रो का बॉक्स भी है, बाकी के एसेसरीज भी हैं, और यहाँ हमारा लैपटॉप आ गया इसमें, और ये एरिया थोड़ा अच्छा है इसलिए मैंने लैपटॉप पीछे रखा, बाकी बहुत बड़ी बड़ी जेब है साइड में और बहुत सामान आ गया इसके अंदर। अभी बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई ये कंप्लीट हो गया अपना ब्रेक। देखो मेरा ब्रेक भी कैसी जगह था, बढ़िया एकदम, वाह क्या ब्रेक था। बस पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में, फिर ब्रेक ही ब्रेक है। देखो मिट्टी कैसी सम्पिट हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए तो मैं इसको पहन के चलता हूँ, ऊपर ये रेनकोट है बहुत काम करता है भाई, अब ठंड लग रही है मुझे वाकई में। देखो भाई साहब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और गोप्रो वैसे हमारा अंधा हो जाता है, एकदम क्लियर दिख नहीं रहा होगा, रात का इतना अच्छा कैप्चर करता नहीं है बिना लाइट्स के, और थोड़ा सा टाइम और लगेगा यहाँ से, 20 मिनट और लगेंगे बस, लगभग पहुँच गया हूँ बहुत ज़्यादा करीब। पागल है तू, कितनी देर का जा रहा? मैं तो आधा घंटा हो गया मुझे गई हुए को। आधा घंटा हो गया गई हुए? 2 घंटे की बता रही थी, 2 घंटे हो गए। अरे ऐसे कैसे हैं, अब
आधे घंटे भी ले यार, एक एक पीस एक 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 पीस रसमलाई भाई साहब ने दबा के खाया मिर्च का कोल्ड ड्रिंक के साथ ही, मुझे कुछ नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक है साथ में। अब हालत देखो, रसमलाई खानी है भाई साहब, आके 5 मिनट भी नहीं बैठा हूँ मैं, जाके बस चाय पिए उसके बाद बाहर। कप कपी अभी तक उतरी नहीं है बाइक से आने के बाद, जब से बाहर ही हमने ये सब पढ़ दिया, ये सब पढ़ दिया, एक बर्गर सब पेड़ दिए, चाउमीन बाकी है, कोल्ड ड्रिंक बाकी है, मिर्च लग रही है तो रसमलाई आ रही है। चलो यहाँ से फ्री होकर तब मिलेंगे। तो पहुँच गए घर, अभी इस वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। देखो जो भी वीडियो में था आपने सबने देखा, मैं आके बस चले गए थे बाहर थोड़ा घूमे फिरे, और जो भी दिखाए थे ये दीदी के देवर हैं हमारे जीजा जी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो, इधर मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए राम राम जी, ठीक है, चलो।